हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन जेई मेंस और नीट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर हम, और यहाँ पे हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और ठीक है, चलिए बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होगा वो साइमल्टेनियसली होगा। अगर मतलब साथ साथ अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। ठीक है, रियल और इमेजिनरी चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, रियल चार्ज से मतलब क्या है आप मेरा, यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा हुआ है H प्लस, तो आपको सामने से क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, प्लस वन। ऑक्सीजन ऐसे लिखा हुआ, तो यहाँ क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है। बट अगर हम लोग इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी में आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा, जैसे मैंने लिख दिया HCl, अब आपको पता नहीं है कि यहाँ पे H प्लस है या फिर Cl माइनस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो आपकी क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर कैसा चार्ज आएगा आपका, माइनस चार्ज आएगा, और जिसकी कम होगी उस पर कैसा चार्ज आएगा आपका, प्लस चार्ज आएगा। तो ये रियल भी हो गया, एक एग्जैक्टली आपको दिख रहा हो, सीधा सीधा देखने पे दिख रहा हो, इमेजिनरी भी हो गया, इमेजिनरी का मतलब ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख के और फिर चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझ आता है हमको। आगे बात करते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट या फिर नेटिव फॉर्म्स। नेटिव फॉर्म्स का मतलब ये है कि नेचर के अंदर जिस फॉर्म में वो मिलेंगी तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, O2 के फॉर्म में। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूँ सोडियम एक मेटल है तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, सोडियम मेटल की फॉर्म में। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम मेटल सॉलिड के फॉर्म में मिलेगी। तो अगर आपका वो एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में है या फिर नेटिव फॉर्म के अंदर है, नेचर के अंदर जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में है, तो वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। या मैं सिंपल वर्ड्स में अगर एक बात कहूँ ना, तो देखना अगर कभी भी अकेला मेटल प्रेजेंट है ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो रख देना, और अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है उनकी, या फिर सिमिलर एटम से बना हुआ है, तो उस मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना रख देना आप, जीरो। जैसे O2 है, या फिर मैं बात करूं जैसे S8 अगर कोई लिखे, P4 आपका कोई लिख दे यहाँ पे, तो इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा आपका, जीरो होगा। मैं बात कर रहा हूँ सोडियम जब सिंगल ही रहेगा, सोडियम खुद अकेला रहेगा, कोई कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिख रहे हो Na+ इस तरीके से H2 ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे ऐसे सोडियम अकेला प्रेजेंट है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगी, लेकिन अगर मान लो NaOH प्रेजेंट है तो यहाँ पे जीरो नहीं रहने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट आपको पॉइंट समझ आया होगा, चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। देखिए, अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 इज ऑलवेज। देख ली जो एल्कलाई अर्थ मेटल्स होती है आपकी, कौन सी जो आप बोलते हो ली ना करे रब से फरियाद, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका हमेशा कितना होगा, प्लस वन स्टेट में होगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जा सकती है, एक ही बात है, स्टेट और नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। तो जो ग्रुप 1 की एल्कलाई अर्थ मेटल्स होंगी उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा आपका, प्लस 1 रहेगा। रूल नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 इज ऑलवेज प्लस 2। देखिए, एक बात समझा दूं मैं, अगर 2 लिखेंगे तो वो वैलेंसी होगी, वैलेंसी जो होती है आपकी विदाउट चार्ज लिखी जाती है, बट जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा विद चार्ज लिखा जाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, प्लस 2 हो गया। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं इनको हम। ठीक है, तो इनमें कौन कौन आते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, तो ये सारे एलिमेंट जो होंगे आपके, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी वो क्या होगी, आपकी प्लस 2 स्टेट में रहेंगे।
ठीक है, बात करते हैं रूल नंबर 4। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। इनकी जो बात कर रहे हैं ना मेटल हाइड्राइड्स, क्योंकि मेटल्स कभी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपके, किसके मेटल हाइड्राइड्स के कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने NaH लिखा, आपने CaH2 लिखा, या आपने LiH लिखा, आपने MgH2 लिखा, एटसेट्रा, काफ़ी सारे एग्जांपल है। यहाँ Na प्लस होगा, ये -1 होगा, ये +2 होगा, ये भी यहाँ पे -1 आएगा, ये +1 आएगा, -1 और +2 यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भी मेटल के साथ हाइड्रोजन कभी भी रहेगा, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी रहेगी, मेटल हाइड्राइड्स के अंदर -1 रहने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना, मेटल हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी आपकी, -1 होगी, और जनरली कितनी होती है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 होती है। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन इज यूजुअली -1 to +7। क्योंकि देखो, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा आपका, तो फ्लोरीन जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल कंपाउंड्स, ठीक है, -1 इन ऑल कंपाउंड्स। आपका जो फ्लोरीन होगा वो -1 होगा, हमेशा -1 रहने वाला है। क्यों रहने वाला है सबको पता है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो किसी से इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा ये इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है आपका कौन सा, फ्लोरीन, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, ये सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करने की टेंडेंसी रखता है। चलिए बात करते हैं रूल नंबर, अब बाकी जितने भी हैलोजन होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी रहेंगे आपके, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 to +7 क्या करेगा, वेरी करेगा। बात करते हैं रूल नंबर 6 की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ऑक्सीजन का जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, ये कब रहेगा, जब वो क्या रहेगा, ऑक्साइड। बट परऑक्साइड के केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, परऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, -1। देखो परऑक्साइड में ऐसे लिखा जाएगा -1 -1, मैं पर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ये दोनों ऑक्सीजन के लिए। सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड के जैसे एग्जाम्पल लिखें तो H2O2 है आपका, एक Na2O2 है। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, O2 -1 होगा आपका। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे परोक्साइड में KO2 RbO2 CSO2, ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं, परोक्साइड, सॉरी सुपरऑक्साइड के, परोक्साइड के दो एग्जाम्पल कौन से, H2O2 एंड Na2O2। O2F2 में ऑक्सीजन +2 स्टेट में रहेगा OF2 में, और O2F2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो +1। देखो O2F2 जो होगा इसमें तो किस स्टेट में रहेगा, ये +1 में, और जो OF2 होगा उसके अंदर एक स्टेट में रहेगा, ये आपका +2 स्टेट में रहेगा। ओजोनोइड की बात करें, ओजोनोइड है आपका KO3। देखिए यहाँ पे पोटेशियम का +1 होगा और ऑक्सीजन का आपको निकालना है, इसका x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 3x = 0, तो 3x = -1, तो x कितना जाएगा, -1/3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1/3 होगी। देखो एक मैं आपको क्लियरली एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे कई बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, O2 पे -1 है, अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात करूँगा तो एक ऑक्सीजन -1/2 में है, ये बात ध्यान रखना। पर ऑक्सीजन अगर मैं बात करूँगा, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1/2 है। अगर आप टोटल लोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे +1 होगा तो ये पूरा -1 हो जाएगा, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका यही है। बात करते हैं रूल थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना एक बार, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन से भी, तो ये ऑक्सीजन को जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करवाएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी ऑक्सीजन की, यहाँ पे OF2 में +2 और O2F2 में +1 होगी। बात करते हैं रूल नंबर 7 की, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। देखो मैं दो एग्जांपल देता हूं आपको, एक मैं लिखता हूं जैसे मैंने लिखा K2Cr2O7, और एक मैंने लिखा आपका जैसे NO3- लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे जो टोटल कंपाउंड है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, 0 है। तो जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करके चार्ज लिखेंगे तो इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, 0, और जब इसमें लिखेंगे तो ये एक आयन हो गया आपका, ठीक है। आयन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, -1 है, तो
तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है NO3, इसके ऊपर माइनस वन है, तो जब इक्वल्स टू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस वन लिखेंगे। अब जिसका हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसका ऑक्सीडेशन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंसिडर करने वाले हैं एक्स, ठीक है। जैसे इसका मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स कंसिडर किया, पोटेशियम का आपको पता है कितना होता है प्लस वन, और ऑक्सीजन का आपको पता है जनरली कितना होगा माइनस टू। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, टोटल कितना होगा टू प्लस 2 इंटू एक्स, टू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ नाइट्रोजन का आपको कंसिडर करना है तो प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लिया करें इसको, तो यहाँ प्लस एक्स होगा, यहाँ माइनस टू होगा। तो यहाँ देखिए एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका प्लस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस फाइव आ गया और यहाँ पे जो x आ जाएगा आपका वो आ जाएगा प्लस सिक्स। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना प्लस सिक्स, और NO3 में माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना नाइट्रोजन का प्लस फाइव। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के मैंने बेसिक रूल आपको बताए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आपको बेसिक कंपाउंड्स नहीं दिए हुए और स्ट्रक्चर से आपको अगर फाइंड करना है तो स्ट्रक्चर के लिए क्या रूल है बेसिकली, तो उसकी बात करते हैं। देखिए देखिए अगर आपको किसी स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो आप खुद बताइए कि वहाँ जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वहाँ आप चाहे एक बॉन्ड ले लीजिए, चाहे दो बॉन्ड ले लीजिए, चाहे तीन बॉन्ड ले लीजिए, वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा उन सब पे, जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखा जाएगा। लेकिन अगर आप एलिमेंट्स चेंज कर देते हो, जैसे आपने ए और बी एलिमेंट ले लिया, आपने ए डबल बॉन्ड बी ले लिया, आपने ए ट्रिपल बॉन्ड बी ले लिया, और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी वो ए की किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी है आपकी यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आपका यहाँ पे कौन सा चार्ज गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे देना है तो एक बात बता देता हूँ, जितना बॉन्ड है ना उतना प्लस और माइनस चार्ज दे दीजिए, जितना आपका बॉन्ड है उतना प्लस और माइनस चार्ज दे दीजिए। तो देखिए एक बॉन्ड है तो एक चार्ज इस पर, एक चार्ज इस पर, दो बॉन्ड है तो दो चार्ज इस पर, दो चार्ज इस पर, तीन बॉन्ड है तो तीन चार्ज इस पर, तीन चार्ज इस पर। अब माइनस प्लस का क्या क्राइटेरिया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर माइनस लगा दीजिए, जिसकी कम है उस पर प्लस लगा दीजिए। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग अब बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट केस के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि अगर बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेटेड हो, ठीक है, आपका बॉन्ड कैसा हो, कोऑर्डिनेटेड हो, और सिमिलर एटम्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, या फिर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में हो, ठीक है। देखिए यहां चलिए बात करते हैं इसके अंदर, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर सबको पता है, आपको सबको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, तो आपको पता है चार्ज कितना आना है, दो दो आना है अगर सिमिलर एटम्स के बीच में। अब किस पे पॉजिटिव आना है, जो डोनर होगा उस पर प्लस आना है, और जो एक्सेप्टर होगा उस पर क्या आना है, माइनस आना है। अब डिफरेंट एटम्स के बीच में अगर होगा तो एक केस इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन देने की बात होगी हमेशा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, ना कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है लोअर को, तो यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखा जाएगा इनका, जीरो रखा जाएगा। और ये देगा तो आपको पता है यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे टू होगा, जो देने वाला है उस पर प्लस होगा, जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आई होगी कि अगर आपको किसी स्ट्रक्चर में फाइंड करना है तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, थोड़ा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख देता हूँ आपके लिए। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, आपकी यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। मैं सीक्वेंस की अगर बात करें तो याद वैल्यूज़ याद रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कुछ जगह पे मैं वैल्यूज़ बता देता हूँ, एक दो पॉइंट्स में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो आपके लिए आसान होंगे। फर्स्ट देखिए आयोडीन
सल्फर और कार्बन, इसमें एक प्रॉब्लम आती है तो आयोडीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से, देन किसकी होती है कार्बन की। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की अप्रोक्स में 3.0 आती है, लेकिन जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो स्लाइटली मोर होगी किससे, नाइट्रोजन से, स्लाइटली मोर देन नाइट्रोजन, स्लाइटली मोर देन नाइट्रोजन। और थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी वो अप्रोक्स में सिमिलर आती है 2.1, लेकिन वही बात अगर दोनों एटम्स आ गए तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्लाइटली किसकी ज़्यादा होगी आपकी, फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, मोर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे रूल्स मैंने समझा दिए, इनसे बाहर आपसे रूल्स में डिस्कशन नहीं होगा, तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से एग्जांपल हमारे सॉल्व होंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि कभी आपको रेंज बतानी है, जैसे आपको बताना है रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान रखिएगा जो रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो n माइनस 8 टू क्या होगी आपकी n होगी। यहाँ पे आपका n क्या है, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया आपके पास सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके सामने, 16 होता है। कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2, 8, 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। तो देखिए रेंज क्या आएगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी आपकी, देखिए इसके लिए वो रेंज आएगी आपकी 6 पुट करोगे तो -2, 2, 6, यानी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो वेरी कर सकती है -2 से कहाँ तक आपकी, +6 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, -2 से कहाँ तक वेरी कर सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ कंपाउंड्स के या फिर ये मान लीजिए कुछ आयंस के डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखता हूँ, जैसे CN है तो CN-1 स्टेट में रहेगा, CN- लिखा जाता है। OH जो होगा वो भी -1 लिखा जाएगा, -1 स्टेट में रहेगा। जैसे आपने SO4-2 लिखा तो SO4 कौन से स्टेट में, -2 में। जैसे आप ऑक्सीलेट लिख रहे हो C2O4-2, तो ये भी कौन से स्टेट में, -2। एक और इंपॉर्टेंट बात, CO लिखा जाता है, CO को बोला जाता है कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल आपका जब भी होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी होगी, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी होगी 0, यानी कार्बोनाइल जब भी होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी कंसीडर करनी है, 0 कंसीडर करनी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे। KMnO4 मैंने यहाँ पे लिखा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, जिसका फाइंड करना है उसका एक्स कंसीडर कीजिए। पोटेशियम का आपको पता है कितना होता है, +1, ऑक्सीजन का -2, मल्टीप्लाई कीजिए 1 + x - 8। ओवरऑल चार्ज कितना है कंपाउंड पे, जब लिखा हुआ था तो अकेला कुछ भी नहीं था, कितना है 0, तो x कितना आ गया, +7। ठीक है, या तो ये इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा MnO4-, इस केस में पोटेशियम नहीं है लेकिन ओवरऑल चार्ज जो था वो कितना आ जाएगा आपका, -1, जिसका कंसिडर करना है उसका x यहाँ पे मानिए। और लिखना कैसे है मैंने आपको समझाया कि जब भी ऐसे कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से लिखा करो, इसको बाहर लिखा करो, ऑक्सीजन यहाँ पे पता चल जाएगा, ये x, तो x - 8 = -1, तो x कितना जाएगा आपका, +7 आ जाएगा। ठीक है, K2Cr2O7 का मैंने आपको ऊपर फाइंड करवा दिया। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ आपके सामने, K4FeCN6, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड लिखा हुआ मिलेगा तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो इसकी स्टेट है आपको निकालनी है, आयरन की निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर, तो पोटेशियम का आपको सबको पता है +1, और CN का आपको पता है कितना लिया आपने, -1, ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, 0, तो यहाँ देखिए 4 × 1 कितना होगा, 4 + x - 6 = 0, तो x कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, +2, यानी आयरन की जो स्टेट है यहाँ पे वो कौन सी है आपकी, +2 स्टेट में यहाँ पे आयरन आपको मिल रहा है। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की, जैसे मैंने लिखा N2O3 आपके सामने लिखा हुआ है और आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोला आपको जिसका फाइंड करना है उसका +x कंसिडर कीजिए, ऑक्सीजन पे कितना -2, ओवरऑल चार्ज 0 है,
तो ये हो गया 2 × x, 2x − 6 = 0, तो x कितना आ गया आपका यहाँ पे +3 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे हमने बात की C2O4−2 अगर हम लोग ले रहे हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो प्लस एक्स कंसिडर करेंगे। अब एक बात और समझा दूँ, इसको लिखना कैसे, मैंने आपको बताया है कैसे लिखना है। अगर चार्ज वाला कंपाउंड है तो इसको इस तरीके से आपको लिख लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। ये लिखा, यहाँ पे −2 होगा, ये प्लस एक्स होगा, देखो कितना आसान हो गया। तो ये 2x − 8 = −2, तो 2x = +6, तो x कितना होगा आपका यहाँ पे +3। यानी C2O4−2 में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपका कितना होगा, +3 होने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसको मैं बोल लूँ वो वाला एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने CrO5 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो CrO5 का जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करना है आपको, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ठीक है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। और मैं आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करवाना सिखाता हूँ कैसे फाइंड करना है। देखिए ये परोक्सी लिंकेज है, ठीक है, परोक्सी लिंकेज है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसका फाइंड करना है, क्रोमियम का। क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आपको भी पता है ये बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन क्रोमियम। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि क्रोमियम मेटल और ऑक्सीजन सेकेंड नंबर का एलिमेंट है जिसकी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड नंबर पे आती है। तो दो बॉन्ड है, इधर −2 होगा और इस पर कितना होगा +2। ये सिंगल बॉन्ड है −1 + 1, 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 ठीक है। इसका कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया हमारे सामने 2, 3, 4, 5, 6। यानी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो कितना आ रहा है आपका +6 आ रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सामने, ठीक है। और अगर कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ऑक्सीजन का −2 है, बाकी 4 ऑक्सीजन का −1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, C3O2 का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आप एक्स वाले मेथड से फाइंड करेंगे ना तो थोड़ा देखो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। देखिए अब पहले एक्स वाले मेथड से मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। यहाँ प्लस एक्स कंसिडर किया, यहाँ −2 कंसिडर किया, तो 3x − 4 = 0, तो 3x = +4, तो x कितना आ गया आपका +4/3 आ गया आपका कौन, x, ठीक है। x कितना आ गया आपका +4/3। तो देखिए अब इसके स्ट्रक्चर से फाइंड करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको। जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ होगा। देखिए अब इस स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो सिमिलर एटम्स के बीच में 0-0 होगा इनकी वजह से, तो ठीक है, खुद की वजह से खुद पे, लेकिन इसकी वजह से इधर −2 होगा इस पर +2, इधर −2 होगा इस पर +2। अब अगर इन तीनों का हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं, देखो एवरेज कितना, +4 नंबर कितने, 3 कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट +4/3, और इंडिविजुअल देखो इसका +2, इसका 0, इसका +2। तो अगर मोर देन वन टाइप के एटम्स किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो आपको स्ट्रक्चर बना के जब फाइंड करोगे तो वो आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो इंडिविजुअल की आएगी, और अगर आपको डायरेक्ट आप फाइंड करोगे एक्स के टर्म में तो वो जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब एक से ज़्यादा एटम आपके पास प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, तो कार्बन का जो एक साथ रिजल्ट आएगा वो जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो एवरेज आएगा, और इंडिविजुअल आपको किससे निकालना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है Br3O8 की बात करते हैं। सबसे पहले अपन नॉर्मल वे से फाइंड करके देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए +x − 2, यानी 3x − 16 = 0, तो x = +16/3, ये आ गया इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसके स्ट्रक्चर की बात होगी तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा आपके सामने, देखिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये,
तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके सामने, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब आप मान लो फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, बस इतना ध्यान रखना है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कितने बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है उतना चार्ज दे दो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको माइनस दे दो, जिसकी कम है उसको प्लस दे दो। तो यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे प्लस टू, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे प्लस टू, वही माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू एंड प्लस टू। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ये बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में, तो इनकी वजह से तो जीरो जीरो आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है प्लस सिक्स, इसका आ रहा है आपके सामने प्लस फोर और इसका भी आ रहा है आपके सामने प्लस सिक्स। एवरेज निकालिए कितना आएगा, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन बाई थ्री आएगा एवरेज प्लस का, और एवरेज कितना आ रहा है सिक्स। इंडिविजुअल ये है आपके सामने और एवरेज ये आपके सामने। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, मैं सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर एट, देखिएगा एग्जांपल नंबर एट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे CaO Cl2 की बात करते हैं, ठीक है। CaO और Cl2 में मेरे को क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे फाइंड करोगे प्लस टू माइनस टू और इधर में प्लस एक्स, तो प्लस टू माइनस टू प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कितना आ जाएगा ज़ीरो, यानी जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया ब्लीचिंग पाउडर में, ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप Br3O8 का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। नाम क्या है, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। चलिए बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये तो आ गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, बट हम लोग फाइंड करेंगे इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो Br3O8 का एक बार नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है ट्राई ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड, या फिर ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो नाम है इसका क्या है, ट्राई ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड इसका नाम है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर इसकी बनती है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करवाना सिखाया है, कैसे फाइंड करना है। यहाँ क्या है आपका, देखिए कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी माइनस वन प्लस वन, क्लोरीन की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पे क्या होगा आपका, एक बॉन्ड है ऑक्सीजन की ज़्यादा है माइनस वन, और इधर क्या होगा प्लस वन। तो देखिए इन दोनों का एवरेज फाइंड कीजिए आप, कितना होगा प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई टू, कितना आ जाएगा जीरो। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आया, बट इंडिविजुअल का फाइंड करोगे तो इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, एक का आ रहा है प्लस वन, दूसरे का आ रहा है माइनस वन। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है ये, तो इनको क्लियरली समझिएगा आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखिएगा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3 होल ट्वाइस SO, तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से CH3 और इधर लिखा जाएगा CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो माइनस टू होगा और यहाँ पे कितना होगा प्लस टू का, लेकिन सल्फर और कार्बन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैंने ऊपर बताया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस वन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन आएगा, यहाँ पे प्लस वन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन। मैं H3 की बात नहीं कर रहा क्योंकि H3 कार्बन से इस तरीके से अटैच्ड है, तो इनका कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ इस बॉन्ड के लिए बात कर रहे हैं इस बॉन्ड, क्योंकि मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है यहाँ पे। तो सल्फर का जो नेट ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितनी आएगी आपकी, ज़ीरो आएगी, कितनी आएगी ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं HCN के बारे में, तो HCN का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछा जाता है आपसे, नाइट्रोजन और कार्बन का, ये कितना बॉन्ड है एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, कार्बन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। मैं लास्ट में एक टेबल भी बना दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, मैं लास्ट में एक टेबल मेंशन कर दूंगा आपके लिए। तो यहाँ देखिए, तो प्लस वन होगा, ये माइनस वन होगा, अब तीन बॉन्ड है तो ये माइनस थ्री और यहाँ पे प्लस थ्री, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना आया,
प्लस टू और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया माइनस थ्री। आई होप ये समझ आएगा हाइड्रोजन का कितना आया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है HNC, इसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है। इस बॉन्ड की बात करें तो देखो एक बॉन्ड है तो वन और वन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है माइनस वन, इसकी कम है प्लस वन। दो बॉन्ड है पहले कोवलेंट चेक कर लो तो दो और दो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस टू और इसकी प्लस टू। अब बात करें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इसके बारे में, तो देखो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है नाइट्रोजन की, किससे कार्बन से। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हायर से लोअर की तरफ बनेगा तो मैंने ऊपर मेंशन किया कोई चार्ज नहीं देना, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और इधर कितना आ गया प्लस टू। ऐसे नहीं तो ऐसे बना लो इसकी स्ट्रक्चर, इसको कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। जो टेल वाला पोर्शन है एक ही बॉन्ड है तो प्लस वन और इधर माइनस वन। अब देखो वन वन इस पे दे दिया आपने प्लस वन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादा है तो इस पे दे दिया माइनस वन। अब आगे बात करते हैं, तीन बॉन्ड हो गए, इधर प्लस थ्री हो गया इधर माइनस थ्री, क्योंकि तीन तीन दिया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो माइनस वो प्लस थ्री, इसकी ज़्यादा है तो माइनस थ्री। यहाँ ओवरऑल आ गया आपका कितना माइनस थ्री और यहाँ ओवरऑल आ गया आपका प्लस टू। तो एक ही बात है, आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसा ट्राई कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में, देखिएगा ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 तक हो गए, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको NaHg, और यहाँ पे आपसे पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम बताइए कितना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक नोट यहाँ पे मेंशन करके बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, इन एलॉय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच मेटल कितना होगा जीरो होगा आपका। तो ये ध्यान रखना कि जब भी एलॉय की बात होगी तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा यहाँ पे जीरो आएगा, सबको पता है। जब भी एलॉय की बात होगी ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्जांपल नंबर 12 की मैंने बात की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, तो इसको मेंशन करके रखिएगा दिमाग में, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की और, तो देखिएगा। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में, ठीक है। जितने सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं आपके। ऑक्सो एसिड्स में क्या होगा कि जो आपका ऐसे एसिड्स होंगे कि जो हाइड्रोजन डोनेट किया जाएगा ना वो ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन होगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं इसके अंदर ले रहा हूँ आपका H2SO3। सबके मैं नाम बताऊंगा कौन से एसिड को क्या बोला जाता है, उसका नाम साथ में उसके स्ट्रक्चर, और फिर इस स्ट्रक्चर से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है H2SO3, इसको हम लोग बोल रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जिसका निकालना है उसका प्लस एक्स कंसिडर किया, यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस टू, यहाँ पे प्लस वन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो टू प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स आ गया आपका प्लस फोर। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का कुछ बनेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो इस स्ट्रक्चर से भी आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, कैसे कितने बॉन्ड है दो, तो यहाँ पे दो दिया आपने, माइनस टू प्लस टू क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो माइनस टू होगी, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। यहाँ बात करें एक ही बॉन्ड है तो माइनस वन और इधर में प्लस वन, इधर में माइनस वन और इधर में प्लस वन, आप देख लीजिए कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी प्लस फोर आ रही है। बात करते हैं एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू है आपके पास H2SO4, इसको हम लोग बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आप फाइंड कर लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों तरीके से फाइंड कर रहा हूँ, प्लस एक्स माइनस टू प्लस वन, अब मैं जल्दी फाइंड करूँगा थोड़ा, टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ गया आपका प्लस सिक्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और दो क्या है आपके पास OH और इधर में भी क्या है OH। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बता रहा पिरामिडल है क्या है, मुझे सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो उस पर मत जाना, ठीक है, स्ट्रक्चर जो पिरामिडल स्ट्रक्चर वगैरह इन पर मत जाना अभी। तो यहाँ माइनस टू, इधर में प्लस टू, इधर माइनस वन, इधर प्लस वन, माइनस टू प्लस टू माइनस वन प्लस वन, कितना आ गया ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स, और यहाँ कितना आया था आपका
प्लस 6, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपका, प्लस 6 हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, H2SO5 के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोल लीजिए इसको। तो बात करते हैं इसके बारे में क्या है, देखिए। ठीक है, तो H2SO5 को अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग कैरोज एसिड बोलते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके स्ट्रक्चर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, परोक्सी लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं परोक्सी लिंकेज। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी परोक्सी लिंकेज आर प्रेजेंट इन H2SO5। चलिए बात करते हैं, तो -2 होगा, +2, -2, +2, -1, +1, -1, +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अगर यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आ गया आपका, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। और अगर इधर बात करें तो इन दोनों के खुद की वजह से तो जीरो होगा, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो इधर +1 होगा, -1। तो परोक्साइड पे देख लीजिए आप ओवरऑल चार्ज क्या है, O2-2 प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 अगर हम लोग देखें इसमें, तो ये है H2S2O6 की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं, H2S2O6। देखिए H2S2O6 की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइथियोनिक एसिड, डाइथियोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डाइथियोनिक एसिड बोल रहे हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। देखो मैं जो इसका पिरामिडल है क्या है, वैसे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा अभी, मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, -2 +2, -2 +2, -1 +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +5। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी भी, +5। सिमिलर लिंकेज है सारे के सारे, इन दोनों के खुद की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगी, ध्यान रखना है, क्योंकि सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है। और अगर आप एवरेज फाइन करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, +5 +5 डिवाइड बाई 2 यानी 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आप यहाँ से निकालते हो तो देखो आपको अगर ऐसे निकालना है H2O6 जिसका निकालना है +x -2 +1, तो 2 +2x -12 = 0, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से भी आपका +1। तो ये एवरेज आ रहा है, और जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों कितने आ रहे हैं आपके, +5 +5 आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए एग्जांपल नंबर कौन सा है आपका, 5th है आपका। 5th एग्जांपल है H2S2O7। ठीक है, H2S2O7 की अगर हम लोग बात करें तो H2S2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं नॉर्मली, या फिर हम लोग एक और नाम बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो S इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, ये नॉर्मल यूनिट है सबके अंदर मिल रही है आपको इस तरीके से, ये नॉर्मल यूनिट मिल रही है, ये नॉर्मल। अब बचा क्या, देखो अब देखो काफ़ी सिंपल है, अभी मैं नीचे एक बार समराइज कर दूंगा सारी स्ट्रक्चर्स को, बहुत आसान है स्ट्रक्चर्स बनाना। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। देखो 6 ऑक्सीजन हो गए लेकिन एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखिए -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 कितना आ गया, प्लस का 6। इसका भी कितना आएगा, प्लस का 6, क्योंकि सेम तरीके की लिंकेज प्रेजेंट है। एवरेज निकालोगे, यहाँ से एवरेज भी निकाल लीजिए, एवरेज कितना आएगा, +6 +6 डिवाइड बाई 2, ये क्या जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 12/2 यानी 6 आ जाएगा वापस प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें एग्जांपल नंबर 6 की, तो H2S2O8 की बात करें। मैंने बोला ना सिंपल, ये वाले स्ट्रक्चर तो सबके अंदर बनानी बनानी है आपको, ये दोनों स्ट्रक्चर तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना उसके स्ट्रक्चर तो आप नॉर्मली बना लीजिए। अब क्या बचा, देखो 2 ऑक्सीजन बचे, यहाँ पे लगा दीजिए आप, काफ़ी सिंपल है ना स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पे क्या होगा, -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी +6। इसका नाम है, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड है ध्यान रखना। देखो परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है एक,
तो नाम ऐसे भी बोल सकते हैं, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। एक और नाम बोलते हैं इसका, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए बताता हूं। ठीक है ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या है आपके पास, मार्शल एसिड, इसका एक और नाम है। काफी आसान है, देखो स्ट्रक्चर एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको। हाँ, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, एक बेसिक यूनिट जो होती है ना इनकी सबकी, वो इस तरीके की बेसिक यूनिट आपको जरूर मिलेगी। देखना जहां भी आप देखोगे वहां पे इस तरीके की बेसिक यूनिट आपको जरूर मिलेगी। अब अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे देखिए आपका H2SO3 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन है तो आपने ऑक्सीजन लगा दिया, एक और हाइड्रोजन ये लगा दिया, अब एक लोन पेयर आपने लोन पेयर लगा दिया। अगर मान लो आपके पास ये स्ट्रक्चर नहीं होता, आपके पास H2SO4 है, चार ऑक्सीजन है, तीन हाइड्रोजन, आप दो हाइड्रोजन है, इस तरीके से बना दिया। अब अगर डबल यूनिट में आ जाए सल्फर, तो एक यूनिट इस तरीके की बनानी है आपको और फिर यहाँ पे दूसरी यूनिट लगा देनी है, जो भी होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। पहले बॉन्ड मत बनाइए, जैसे H2S2O6 है तो इस तरीके का मैंने बनाया, अब मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। ऑक्सीजन अगर है मेरे पास तो एक बीच में लगा दिया, दो ऑक्सीजन है तो मैंने परऑक्सी लिंकेज लगा दिया, बन गया आपके ये सारे ऑक्सो एसिड्स, काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड लिख दीजिए या फिर फॉस्फोरस लिख दीजिए, चलो फॉस्फोरिक एसिड्स की बात कर लेते हैं हम लोग, या ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बोल देते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, फॉस्फोरस के लिए बात करते हैं, फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है H3PO3, नाम है इसका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ये लिंकेज कॉमन होगा, यहाँ पे एक OH बॉन्ड भी कॉमन होगा। अब अगर देखें तो देखिए आपके पास तीन, दो ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, एक और है, तो ट्राई कीजिए पहले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लगाएं, अब हाइड्रोजन रिमेनिंग है तो यहाँ पे, लेकिन एक डबल बॉन्ड O जरूर होगा आपके पास। जैसे यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O होगा, आपके पास तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन लगा दिए, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए -2 +2 -1 +1 -1 +1 -1 +1 कितना आ जाएगा यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -2 -1 +1 +2 इधर की -1 +1 -1 +1 कितना आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपका आ गया प्लस का, देखिए एक बार क्लियरली देख लीजिए, हाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका प्लस का 5। हाँ सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, देखो अपन ने यहाँ क्या मिस्टेक की अपन ने, देखिएगा ध्यान से एक बार समझ, वापस बनाते हैं स्ट्रक्चर, पी डबल बॉन्ड ओ, थोड़ा जल्दी में मिस्टेक कर दी अपन ने, देखिए ध्यान से हाइड्रोजन है और मैंने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो फॉस्फोरस की हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी ना, तो -2 -1 +1 +2 ये -1 +1। अब इस पर देखिए, इस बॉन्ड की वजह से देखिए, इस बॉन्ड के लिंकेज की वजह से बात करें तो ये क्या होगा आपका +1 होगा और ये क्या होगा -1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो है हमारा, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कैसा बनेगा देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का आपके सामने बनेगा, पी डबल बॉन्ड ओ, इधर OH, इधर H लगा देते हैं, इधर OH लगा देते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन है, 4 कंप्लीट हो गए, एक ऑक्सीजन बीच में लगा देते हैं। तो जब आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो आप देखिए -2 +2 -1 +1 -1 +1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कितना आएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए बात करते हैं एक बार ढंग से देखिएगा, और जो मिस्टेक अपन ने ऊपर की थी वो नहीं करनी, तो यहाँ +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, तो अब जिस इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा +3, सेम इधर है तो इसका भी कितना आ जाएगा आपका +3। इसकी बात करें देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके का आपका लिंकेज होगा, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये फॉस्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसकी बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा देखिए, -2 +2 -1 +1 -1 +1।
तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, प्लस फोर, जो इसका आएगा वही ऑक्सीडेशन नंबर आपका इसका आने वाला है, ठीक है। तो इसका भी कितना आएगा आपका, प्लस फोर आने वाला है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है H4P2O7, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं अगर H4P2O8, ठीक है। H4P2O7 ले रहे हैं और एक ले रहे हैं हम लोग H4P2O8 की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका नाम अगर सबसे पहले आपको बताऊं मैं, तो इसका नाम आपको बोला जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर कैसी बनेगी आपकी, देखिए इसके स्ट्रक्चर बनेगी जैसे, देखिए आप ध्यान से देखिए, इधर जो आपने ऊपर स्ट्रक्चर बनाई थी ना उसमें कुछ नहीं करना, सेम स्ट्रक्चर बना दीजिए, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बीच में लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो दो ऑक्सीजन बीच में एक्स्ट्रा लगा दीजिए और यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, ये देखिए डबल बॉन्ड OH, तो आप यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है आपका, देखिए यहाँ पे -2 +2 -1 +1 -1 +1 -1 +1 कितना आ गया, आई होप 2, 3, 4, 5 प्लस का 5 आ गया। इधर कितना आएगा, -1 +1 -2 +2 -1 +1 -1 +1, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 5, तो इसका भी कितना आएगा आपका +5, इसका भी कितना आएगा आपका +5, ठीक है। तो आई होप ऑक्सो एसिड्स आपको फॉस्फोरस के और सल्फर के दोनों के क्लियर समझ आए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग मैंने लिखा आपके पास यहाँ पे COF, यहाँ पे मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यहाँ पे किसकी निकालनी है, आयरन की, और आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया, 0, तो आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 0। तो कार्बोनाइल के कोई भी कंपाउंड आपको अगर देखने को मिले तो ध्यान रखना उस केस में अगर सिर्फ कार्बोनाइल का कंपाउंड है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा आपका। अब मैं बात करता हूँ एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ, एक मिक्स्ड ऑक्साइड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मिक्स ऑक्साइड की हम लोग बात करें अगर, तो मिक्स ऑक्साइड में क्या होता है कि दो टाइप के ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल फर्स्ट लेता हूँ, इसका फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, आपको मैंने दिया Fe3O4 में आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आप क्या करेंगे, +x -2, तो 3x - 8 = 0, तो 3x = +8, तो x कितना आ जाएगा आपका +8/3। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो आयरन दो प्रेजेंट है, तो आयरन अब अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है आपके, ये है कंपाउंड, इस तरीके से लिखा हुआ है ये कंपाउंड आपका FeO.Fe2O3, यानी यहाँ पे +2 स्टेट होगी और यहाँ पे +3 स्टेट होगी। जब आप एवरेज निकालोगे, देखो 2 है, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 × 2 कितने हो गए, 8/2 कितना, 8/3 आयरन है, तो कितना आ गया 8/3 आपका। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो CO3O4 है, इसको भी इसी तरीके से लिखा जाता है CO.CO2O3, तो यहाँ भी वही दो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका SN3O4, इसको लिखा जाता है SNO2.2SNO, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे +4 स्टेट आएगी, यहाँ पे +2 स्टेट, फाइंड कर लीजिए x निकालिए -2, तो देखिए SNO2 के निकालोगे -2 + x, SNO में निकालोगे -2 + x, तो x - 4 = 0, तो x आ जाएगा +4, और x - 2 = 0, तो x आ जाएगा आपका +2, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, Pb3O4 की बात कर रहा हूँ, इस कंपाउंड का नाम बोला जाता है रेड लेड, जो आप बोलते हैं ना सिंदूर, वो दो चुटकी सिंदूर की कीमत वाला, वही सिंदूर है ये, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही लिखा जाता है PbO2.2PbO, तो यहाँ भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आने वाली है, यहाँ पे +4, यहाँ पे +2। आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आया होगा सब कुछ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो भी आपको आयनिक कंपाउंड मिलेगा उसको आपको स्प्लिट कर देना है, उसको ब्रेक कर देना है,
और उसके बेसिस पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना, काफ़ी आसान है। देखिए एग्जांपल, आपको दिया NH4NO2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बोला कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूँ N2H4O2 -2 +1 +x, ऐसे लिख देता हूँ। तो 2x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया आपका, 0 आ गया यहाँ पे। ये तो आपका आ गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है, जब आप ऐसे निकाल रहे हो। अब बात करें इंडिविजुअल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली। तो जब इंडिविजुअल का निकालना है तो ये कंपाउंड आपको बताया NH4 प्लस बनता है और NO2 क्या बनता है आपका, माइनस बनता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, NH4 यहाँ पे प्लस और NO2 यहाँ पे क्या आपका माइनस है, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो एक्स, और हाइड्रोजन का आपको पता है प्लस वन, इधर प्लस एक्स और इधर पता है माइनस टू, तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू प्लस वन, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, और यहाँ जब निकालोगे एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस थ्री, यानी प्लस थ्री और आपका माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इसका करेक्ट है। एंड सेकेंड अगर हम लोग ट्राई करें तो एग्जाम्पल है VBrO3 होल ट्वाइस। अब देखिए जब नाइन्थ क्लास में क्रॉस मल्टीपल, यहाँ वन है तो इसके सिर से, ये टू है तो यहाँ से, यानी आयन टूटेगा V+2 और BrO3-, तो इसका तो प्लस टू हो गया। ब्रोमीन का निकालना है, एक्स कंसिडर किया तो एक्स माइनस, ऑक्सीजन का टू होता है तो सिक्स, और ओवरऑल कितना वन, तो एक्स कितना आ गया आपका प्लस का फाइव आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है NOCl(O4) और ये ऐसे ब्रेक होगा NO+Cl(O4) और इस पर कितना चार्ज, -1 चार्ज। तो अगर आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो प्लस एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो एक्स आ जाएगा आपका +7। यहाँ की बात करें इसका निकालना है तो एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू +1, तो एक्स आ जाएगा आपका +3, ठीक है। आई होप यहाँ तक के एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा परोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है या फिर परोक्साइड लिंकेज आपका एब्सेंट है। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए बात करते हैं, चलिए दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। एक है Na2S4O6, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, सारे सल्फर लाइन से अरेंज कीजिए, इन सल्फर्स पे इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बना, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया ये। अब आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो +x -2 +1, यानी +2 + 4x - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 12, तो एक्स आ गया आपका +12/4, यानी आपका एक्स आ गया यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी ये +2 है, ये -12 है, तो 4x - 10 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू +10, तो x इज इक्वल्स टू +10/4, यानी 5/2 आ गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर से, देख लेते हैं एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ पे -1, इसकी वजह से +1, -2 + 2 - 2 और यहाँ पे +2, और सल्फर की वजह से कुछ नहीं आएगा तो ये आ गया +5। सेम इसी पे आएगा, इस पे भी कितना आएगा +5। अब आपको एवरेज निकालना है तो देखिए +5 + 5 डिवाइड बाई कितने हैं सल्फर, 4, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वही 10/4, यानी वही 5/2 आ गया आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। एक और सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, वो है आपका Na2S2O3 के बारे में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पर। देखिए इस स्ट्रक्चर को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से मिल सकती है, ये Na2S2O3 है, तो एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से मिल सकती है, लेकिन मैं इस तरीके से बना के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं फाइंड करूँगा, मैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहा हूँ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऐसे आसान रहेगा फाइंड करने का। देखिए -2 होगा +2 होगा -1 +1 -1 एंड +1। अब बात करते हैं इसकी, तो ये वही कंडीशन आ गई ना ए के बीच में, तो जो डोनर होगा उस पर प्लस का चार्ज आएगा, जो एक्सेप्टर होगा उस पर माइनस का, कितना आएगा
इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो दो चार्ज हो गया, तो इस पर प्लस टू चार्ज हो गया, इस पर माइनस टू, तो कितना हो गया इस पर टोटल चार्ज, प्लस सिक्स। ठीक है, अगर आप एवरेज फाइन करेंगे तो देखते हैं एवरेज कितना आता है, तो प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ गया आपका प्लस टू, यहाँ पे तो प्लस टू आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे एवरेज कितना आता है आपका, प्लस सिक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू, तो ये भी कितना आ रहा है एवरेज आपका, वही प्लस फोर बाई टू, कितना आ रहा है आपका, टू ही आ रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जितने एग्जाम्पल पॉसिबल थे उतने एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर करवा दिए। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल कोई रह गया हो तो वो भी देख लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं एक दो एग्जाम्पल्स और। एक होता है Fe(S2) की बात करते हैं, ठीक है, तो Fe(S2) में क्या होता है कि जो ये आयरन होगा वो प्लस टू चार्ज होगा और जो सल्फर होगा वो माइनस वन चार्ज होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं CuFeS2 के अंदर, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं आयरन पाइराइड्स, इसको क्या बोलते हैं, आयरन पाइराइड्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइड्स बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कॉपर प्लस टू होगा, आयरन भी प्लस टू होगा, तो सल्फर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका निकालना है, प्लस एक्स कंसिडर करो, प्लस फोर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा इसका माइनस, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा आपका, माइनस टू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जाम्पल N3H, इसको बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड के बारे में, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा इसका, यहाँ देखिए प्लस वन, यहाँ माइनस वन, बाकी सब पे कितना चार्ज आएगा, बाकी सब पे जीरो जीरो चार्ज आना है, ठीक है, और अगर आप ऐसे एवरेज निकालोगे तो प्लस एक्स कंसिडर किया, यहाँ पे प्लस वन, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब ऐसे लिखा ना, थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको ट्राई करवा दिए, तो इसके बाद आपको अलग अलग एग्जांपल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक की, आपको अगर कैसे पता चलेगा परोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, देखते हैं उसको। तो देखिए, आपको अगर बिना स्ट्रक्चर के परोक्साइड लिंकेज फाइंड करना है तो क्या कंडीशन है, परोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट व्हेन, कब प्रेजेंट होगा, जब आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कितना हो सकता है, उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। जैसे आप देखो CrO5 है, माइनस टू होगा, प्लस एक्स होगा, यहाँ पे आप फाइन करेंगे एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, एक्स कितना आ जाएगा, प्लस टेन आ जाएगा। लेकिन जो ग्रुप है क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा है, सिक्स, यानी जो आपका जो एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस टेन, किससे बड़ा आ रहा है आपका, प्लस सिक्स से बड़ा आ रहा है। तो कितने परोक्साइड लिंकेज है, अगर आपको ये फाइंड करना है वो आगे की बात है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यस परोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और देखना है कि क्या उसके ग्रुप नंबर से बड़ा आ रहा है। अब अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करना है, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या यूज करना है आपको, जो जैसे सल्फर है कौन से ग्रुप का है, 16, तो उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो हम लोग बात करें, मैंने रेंज आपको बता दी, रेंज मैंने आपको बता दी, एन माइनस एट टू कहाँ तक हो सकती है, एन तक हो सकती है, तो आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट कीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, जो 10 जैसे सल्फर है कौन से ग्रुप का है, 16 का, तो 10 माइनस कर दीजिए, कार्बन कौन से का है, 14 का, तो 10 माइनस कर दीजिए, तो ये एन ही है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही पता चल जाएगा, मैक्सिमम वैलेंसी वही हो सकती है। वैसे नहीं कि उनका ग्रुप 16 लेने बैठ जाओ, नहीं 16 नहीं लेना है आपको, उसको 10, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप उस ग्रुप में से 10 माइनस कर देना, आपको अपने आप पता चल जाएगा, और मैक्सिमम कंडीशन मैंने बता भी रखी है, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी जा सकती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर जा सकती है, किसके लिए, मैक्सिमम तो जनरली सभी के लिए, लेकिन पी ब्लॉक के लिए स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये चीज़ किस तरीके से आप पी ब्लॉक के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको परोक्साइड लिंकेज कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर कैसे फाइंड करोगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन परोक्साइड लिंकेज फाइंड करना है वो भी विदाउट स्ट्रक्चर के, तो आपको क्या करना है, देखो दो कंडीशन हो सकती है, जब आपके पास एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो, और दूसरा जब आपके पास दो सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो,
जब एक सेंट्रल एटम होगा तो पी डॉट एल का मतलब परोक्साइड लिंकेज है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देना, डिवाइड बाई टू कर देना। जैसे अभी देखो सी आर इसका एग्जाम्पल देखा, एवरेज कितना आया 10, मैक्सिमम कितना है 6, तो देखो माइनस करते हैं। परोक्साइड लिंकेज की बात करें तो 10 माइनस 6 किया डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया 4 बाई 2, कितना आ गया ये 2 आ गया आपका, ठीक है, अराउंड कितना आ गया ये आपका 2 के अराउंड आ गया। तो और आपको पता है सी आर के जो स्ट्रक्चर है तो उसमें कितने होते हैं, दो ही तो परोक्साइड लिंकेज होते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे K3CrO8 है, इसमें आप एवरेज निकालोगे तो देखो +1 + x - 2 तो +3 + x - 16 = 0 तो x = 16 by कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आपका कितना आ रहा है, सॉरी 16/3 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा आपका प्लस का 13 आ जाएगा, ये माइनस करना है ना, डिवाइड 3x नहीं है ये प्लस है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे 13 आ गया। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो परोक्साइड लिंकेज मैक्सिमम कितना है, क्रोमियम ही वही तो 6 होगा, डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा बोलिए, +7 / 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 के अराउंड परोक्साइड लिंकेज कुछ नहीं होता, तो इसको कितना मान लेना आपको 4। तो वही बात मैंने आपको बताई थी कि जो K3CrO8 होगा उसका स्ट्रक्चर भी तो इसी तरीके का बनता है, अगर नहीं बताया तो तब ध्यान रख लीजिएगा, इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता है उसका, यहाँ पे माइनस के प्लस और ओ माइनस के प्लस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रेजेंट है सेंट्रल एटम, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, जैसे देखो H2S2O8 हमने लिया तो यहाँ पे देखो +1 + x - 2 तो 2 + 2x - 16 = 0 तो 2x = +14 तो x कितना आ गया आपका +7 आ गया। और आपको पता है सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है 6, तो 6 से ज़्यादा है तो क्या करना है परोक्साइड लिंकेज के लिए 7 - 6 कर देना, कितना आएगा 1। और ऊपर जाके आप स्ट्रक्चर देखिए, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि H2S2O8 में कितना परोक्साइड लिंकेज होता है 1। आई होप आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग टाइप ऑफ रिडॉक्स ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू गाइस।